क्यों? कि मैं उसको भैया बोलूंगा तो मेरे पीछे वाले सारे उसको भैया बोलेंगे। अनुशासन हो जाता है। अगर वो लल्लन इधर आओ तो बाकी पीछे वाले बोल लल्लन ऐसे बात करेंगे वो और हीरो बन जाएगी पीछे वाले तो मैं जब बोलता हूँ अरे लल्लन भैया सुनना, तो दूसरे वाले पीछे लल्लन भैया वो और नम्र हो जाता है। यही तो आइडियल होता है। और क्या आइडियल मतलब क्या होता है? यही आइडियल है। तो आदमी को क्या हुआ कि और विधि सरल खोजता है। तो उसने कहा जीना सरल कैसे हो? उस सरल जीने के चक्कर में उसने एक शब्द गढ़ा। उस शब्द का अंग्रेजी में बड़ा प्रचार है, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मतलब हुआ कितना ज़्यादा विनाश कर रहे हैं आप, उसका प्रमाण, उसका प्रमाण है उतना बढ़ रही है घट रही है, विनाश कितना हो रहा है जीडीपी से समझ सकते हैं आप। कटु सत्य है, जीडीपी मतलब हम कितना विनाश कर पा रहे हैं, कितने पहाड़ काटे हैं, कितने हम नदियाँ मोड़ी हैं, कितना पानी हमने जो किया है, कितना हमने पर्वत काटे, कितने हम पेड़ काटे, कितने हमने तहस नहस किया चीज़ों को, ये जीडीपी है। इसको डेवलपमेंट माना गया। पहाड़ काट के रोडें बना दी, इसको डेवलपमेंट माना। पेड़ काट के फर्नीचर बना दिए, डेवलपमेंट माना। ये विनाश कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट। एक शब्द गढ़ा डेवलपमेंट। उसकी आड़ में हमारे गुरुदेव कहा करते थे इंजीनियर से, जो इंजीनियर कौम है ये इस विश्व की दीमक है। स्वामी जी भी इंजीनियर है इसलिए बोल रहे हैं। समझ गए। स्वामी जी IITian है। समझ गए। हाँ टाइम्स ये बेहतर समझते हैं, ये चूंकि समझते हैं चीज़ों को। जितना विनाश का काम है वो सब इंजीनियर के पास है। स्वामी जी गलत सही है ना? थोड़ा मैं भी बिल्कुल। तो गुरुदेव क्या कहते थे, इस पूरे विश्व की जो दीमक है वो सबसे बड़ी दीमक इंजीनियर है। ये चीज़ों को तहस नहस तोड़ फोड़, ये काट पीट वो पूरा जो है ऐसी तहसी बिगाड़ देते हैं। इसको बोले डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? एक दाना डालो 500 दाना पैदा हो, डेवलपमेंट। किसान अगर डेवलपर है इस संसार में कोई तो केवल किसान है। एक डालता है 1000 दाने पैदा होता है, फिर भी भूखा मर रहा है। ऐसा संसार में कोई व्यवसाय नहीं कि एक डालो 1000 बन जाए। खेती है लेकिन खेतिहर मजदूर किसान भूखा मर रहा है। आप फैक्ट्री है आपकी, आप रॉ मटेरियल लाते हैं, कुछ बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं आप गाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं, सुई बनाते हैं, धागा बनाते हैं, कुछ ही बनाते हैं। आप लाएंगे रॉ मटेरियल, मान लीजिए एक महीने में आप 1 टन माल लाए और जो आप बनाएंगे उसको तौल लिया जाए तो 700-800 किलो होगा, 900 किलो होगा, 100 किलो क्या हुआ? खत्म, विनाश हो गया। ठीक, जैसे आप लोहा लाए, आपने कहा लोहे से हम लोहे की चीज़ बनाएंगे तो तमाम लोहे का वेस्ट निकल जाएगा, फेंक दिया। तो 100 किलो लोहा लाए तो 90 किलो की चीज़ तैयार हुई, 10 किलो उड़ गया, हवा में उड़ गया, गल के हवा में उड़ गया। ठीक है, तो हर जगह जिस डेवलपमेंट के तहत जहाँ पे हो वहाँ विनाश हो रहा है, चीज़ें कम हो रही हैं। किसान एक डालता 1000 दाने पैदा होते हैं, 5000 दाने पैदा होते हैं एक एक पौधे में। ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? हमारे आपके संबंध अच्छे हों, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? भूखा आदमी मिल जाए बांट के खा लो, ये डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट एक दूसरे का सहयोग करना है, एक दूसरे के साथ समझदारी से आगे बढ़ना है, ममता दया करुणा प्रेम स्नेह ये सब चीज़ें, ये डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है। आप जाइए बगल में देश है, भूटान,
अगर देखना है तो वहाँ देखिए नेचुरल डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट हैप्पीनेस इंडेक्स, वहाँ पर हैप्पीनेस है। यहाँ जीडीपी लिखते हैं, वहाँ क्या लिखते हैं? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कितने परसेंट? हैप्पीनेस वार्षिक दर कितने परसेंट है? नेचर देखना है तो भूटान जाइए, घुसने नहीं देते बाहरी आदमी को। एक आदमी पीछे लगा रहता जब तक रहोगे भूटान में, क्या कर रहे हो, पौधा तो नहीं उखाड़ रहे हो तुम, हैं कुछ ऐसा तो नहीं करने आए साला जो नुकसान पहुँचाते भूटान को। नेचुरल, वहाँ का आदमी सरल, जितनी प्रकृति सरल है उतना वहाँ का आदमी सरल है। हमारे जो गुरु भाई लोग हैं ना, भूटान नरेश के साथ मिलकर कार्यक्रम चलाते हैं। अभी वहाँ की जो संसद थी वहाँ अंदर हमारे गुरु भाई थे, उनका भाषण भी हुआ भूटान नरेश ने कहा। सब लोग वहाँ की जो रॉयल यूनिवर्सिटी है वहाँ के लोग यहाँ आते हैं हमारे गुरु भाइयों से शिक्षा ग्रहण करने, सारे कुलपति तक आए यहाँ आश्रम आते हैं, यहाँ आश्रम जाते हैं। जहाँ का राजा, अब तो छोड़ दिया उन्होंने, उनका बेटा राजा हो गया। जिग्मे, जिग्मे मीटिंग हो रही थी, मेरे दोस्तों ने बताया, साथियों ने, घरे वो तो साइकिल से आ गए। राजा के जो पिताजी थे साइकिल से आ गए वहाँ सभागार में। कितना नेचुरल होंगे। मेरा कहने का आशय यह है, केवल आदमी चाहे तो सृजन कर दे, ये चाहे तो विध्वंस कर दे, दोनों तरफ बराबर कर सकता है। ये आदमी ऐसा जीव है जो अपने जीवन काल में दसियों पचासों लाख पेड़ लगा सकता है और दसियों पचासों लाख पेड़ कटवा भी सकता है। ये क्षमता केवल मनुष्य के पास है, ये जानवर नहीं कर सकता, कोई और जीव नहीं कर सकता, मनुष्य कर सकता है। इसीलिए इस प्रकृति को संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मनुष्य की है। मनुष्य को जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। तो अभी इसने अपने को नियंता समझ लिया, अपने को ईश्वर समझ लिया, अपने को वो सोचता है सब चीज़ मेरे लिए बनी है, ये सब चीज़ मेरे लिए बनी नहीं है। अभी मैं बाबा से पूछा है कि बाबा मैं बड़ा परेशान हूँ, एक सवाल मेरे को बड़ा कचोटता है, मैं सन्यासी हूँ अभी तो समझ नहीं पाया, एक प्रश्न है उनका, पूछो बेटा। उनका कि एक से दो बनता है, दो से तीन बनता है, दो चार से छः बनता है, छः से चौदह बन जाएगा, ये जीरो से एक कैसे बनता है? अभी जीरो है एक, अभी जीरो था अभी एक हो गया। ये चीज़ मुझे बड़ी जो है कचोट रही पिछले 30 साल से। अरे बोले बेटा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सवाल ठीक कर लो, अपना सवाल ठीक करो। क्या कि बाबा क्या सवाल कैसे ठीक करें? बोले बेटा तुम जो कह रहे हो जीरो से एक कैसे बना, ऐसा नहीं है, जीरो से एक नहीं है, जीरो में एक है। तो सवाल ये पूछो कि जीरो में एक कैसे बना, तुम्हारा सवाल ही गलत है। तो जीरो में एक है, जीरो, ये जीरो है हमारे आपके बीच, ये जीरो है, उसमें हम सब एक हैं, इकाई है, और प्रत्येक इकाई स्वऊर्जित है, स्वनियंत्रित है, अद्भुत है। चींटी के लिए कोई डंडा लेके नहीं खड़ा है ट्रैफिक पुलिस वाला, ए लाइन से चलो, लाइन से ही चलती है चींटी, एक के पीछे एक ही चलती है, ये नहीं क्रॉस कर घूम बगल से निकल गई दौड़ती है, ऐसे निकल वहाँ कोई डंडा लेके ट्रैफिक वाला सीट नहीं बजा रहे, फिर आगे चल पीछे चल सीधी चल, व्यवस्था है। मनुष्य का बेटा ही केवल अपनी मेमोरी लेके पैदा नहीं होता, माता पिता क्या जानते थे, बाकी संसार के प्रत्येक जीव, प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक